यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन ही इज नोन खाली जगह टू मी, ठीक है। ये सभी सारा क्वेश्चन जो है सैनिक स्कूली एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 10 और 12 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, क्लास 10 और क्लास 12 के क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ही इज नोन खाली जगह मी, तो नोन के साथ प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में टू लगता, टी ओ टू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा टू, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है। तो ये पैसिव वॉइस में ही इज नोन के बाद टू लगता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है नो के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो क्या कर रहा है, ही वेंट टू द विलेज, तो ऑन फुट होता, पैदल चलते हैं तो ऑन फुट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीन में क्या कर रहा है, कैमरा लगला बाद इतना बदमाशी करता है। तो अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द राइट इज एफ्राइड, एफ्राइड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, तो द राइट इज एफ्राइड ऑफ कैट, मतलब चूहा जो है वो बिल्ली से भयभीत है, भयभीत में डरा हुआ है, अफ्राइड बने होता है डरा हुआ, और अफ्राइड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ रहता है। ये सबको याद करना पड़ेगा, जितना भी प्रीपोजिशन है उसको याद करना पड़ेगा, तभी इंग्लिश में अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार क्या कर रहा है, ही वाज नॉक्ड डाउन, ही वाज नॉक्ड डाउन, उसे गिराया गया किसके द्वारा, तो बस के द्वारा, तो बाई का प्रीपोजिशन तो नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा विथ ए बस, है ना। ही वाज नॉक्ड डाउन इन ए बस, बस के अंदर, तो सी होगा, सी है कि नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द बॉयज आर इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड का साथ प्रीपोजिशन लगता है इन, द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, मतलब कह रहा है लड़के पेंटिंग बनाने में बहुत रुचि रखते हैं, है ना, बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टेड है, है ना। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन लगेगा, याद रखना है कि इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है, एकदम कंठस्थ याद रखना। इसी तरह से ही फेल्ट पीटी फॉर द पुअर, है ना, गरीबों के लिए वह दया महसूस करता, तो पीटी फोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पीटी फोर। अब क्वेश्चन नंबर हम सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है यशवंत हैज बीन अनवेल, तो हैज बीन जब लगा रहता है तो इससे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित टाइम बताने के लिए दिन के नाम के पहले सिंस लगता है, है ना, निश्चित टाइम बताने, तो यहाँ पर सिंस प्रीपोजिशन लगेगा कि अश्वंत जो है वह सैटरडे से, है ना, ख़राब हालत है उसका, सैटरडे से ही ख़राब हालत है, तो सिंस यहाँ पर लगेगा। ऐसे तो दिन के नाम के पहले ऑन लगता है प्रीपोजिशन, ऑन और बाई, लेकिन यहाँ पर सिंस लगेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आठ नंबर कह रहा है ओपन योर बुक, अपना बुक खोलिए, कितना पेज नंबर, तो जब भी पेज नंबर बोलेगा 64, तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितना पेज नंबर में, लेकिन ये पता है कि 64 में है, तो जब एग्जैक्ट पता नहीं रहता है, है ना, तो एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, है ना, यहाँ पर एट लगा, एट पेज नंबर 64, है ना, 64, ऑन नहीं लगाएंगे, ऑन टच करता है कोई चीज़ तब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एट लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, स्थान का एग्जैक्ट पता नहीं है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन एट लगेगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कर रहा है कि मे यू सक्सीड, सक्सीड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लगता है, तो यहाँ पर इन भराएगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, भगवान माने आप एग्ज़ाम में सफल हो, मेरी ऐसी कामना है, इच्छा है कि आप एग्ज़ाम में सफल हो जाए, इन लगेगा, इन सक्सीड के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, ठीक है, जब भी सक्सीड रहेगा तो उसके साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं दस, क्वेश्चन नंबर दस क्या कर रहा है कि देयर इज ए ब्रिज, एक पुल है किसके क्रॉस, यमुना नदी के इस पार से उस पार, इसे पुल है, ये पुल है, सॉरी नदी है, तो इसके इस पार से उस पार, तो इस पार से उस पार का प्रीपोजिशन क्या होता है, अक्रॉस, है ना, इस पार से उस पार, तो देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द यमुना नदी, यमुना नदी के इस पार से उस पार तक एक पुल है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन अक्रॉस लगेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि लुक, तो बच्चे को देखभाल करना या किसी चीज़ का देखभाल करना, तो लुक आफ्टर मैंने होता है देखभाल करना, तो लुक आफ्टर होगा, लुक आफ्टर मैंने देखभाल करना। लेकिन लुक फॉर तो किसी को खोजना होता है, तो यहाँ पर ही लुक आफ्टर का प्रीपोजिशन आफ्टर लगेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या प्रीपोजिशन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, ही डाइड, डाइड के साथ जब भी इधर बीमारी रहता है तो ही डाइड के साथ ऑफ लगता है, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, वह कैंसर से मर गया। क्वेश्चन नंबर 13, थ्री पर्सन्स वेयर विटनेस, विटनेस मैंने गवाह सबूत, जैसे केस होता है तो सवाह गबूस होता है ना कि कोई देखता है, तो बोला कि तीनों पर्सन जो है, तीनों आदमी वह गवाह है, कौन से, इस घटना के, इस एक्सीडेंट जो हुआ है, तो यहाँ पर ऑफ लगेगा, विटनेस ऑफ होता है, विटनेस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है ना, विटनेस ऑफ दैट इवेंट, उस घटना के तीन आदमी क्या थे, गवाह थे, सबूत थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, अ फ्रॉग वाज फाउंड, एक मेढक पाया गया, कहाँ पाया गया, तो बेल, कुआं के अंदर में, तो कुआं के अंदर में पाया गया, तो इन प्रीपोजिशन लगा, इन प्रीपोजिशन लगा है ना, क्योंकि वो अस्थिर है, जब गति करते हुए अंदर जाता है तो इनटू लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो वो अस्थिर है तो इन लगेगा प्रीपोजिशन, ए फ्रॉग वाज फाउंड इन द बेल, लेकिन जब गति करते हुए जाता है, ए फ्रॉग जम्प्स रहता है ना, तो यहाँ पर इनटू लगता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशन इन लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, है ना कि मैं हमेशा आपके सर्विस के लिए हूँ, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा फोर, आई एम ऑलवेज फॉर योर सर्विस, मैं आपके सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ, ये प्रीपोजिशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16, ही कम्प्लीमेंटेड हर ऑन न्यू ड्रेसेस, वह नए ड्रेसेस पर, वह मेरे नए ड्रेसेस पर क्या किया, कम्प्लीमेंटेड किया, तो ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि ही हैज बीन अब्सेंट, देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था कि हैज बीन रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहता है तो दिन के पहले सिंस का प्रीपोजिशन लगता है, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा, सिंस होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर बोल रहा है ही इज मैरिड खाली जगह सिस्टर, तो यहाँ पर जो है ये पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन टू लगता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लगेगा, ही इज मैरिड टू माई सिस्टर, वह मेरी बहन से विवाहित है, तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, टू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, ही डिफर्स खाली जगह यू, कि वह अलग है, डिफर मने अलग होना है ना, वह अलग है किससे, आपसे, वह आपसे अलग है, तो ही डिफर्स विथ हो जाएगा, ही डिफर्स विथ यू, वह आपसे अलग है। ठीक है, ए नंबर प्रीपोजिशन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, सॉरी 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा कि द रूम इज फूल, फूल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, फूल मैंने भरा हुआ, द रूम इज फूल ऑफ पीपल, रूम पूरा क्या है, पूरा रूम जो है वह 5 सितंबर को पूरा भरा हुआ, लोगों से भरा हुआ, आदमी से भरा हुआ, क्योंकि 5 सितंबर का समारोह हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ लगेगा, द रूम इज फूल ऑफ पीपल, वह रूम से भरा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि सी लिव्स हर पेरेंट्स, वह रहती है, शीला जो है, शीला रहती, शीला लिखा हुआ है, सॉरी, शीला रहती है अपने माता पिता के साथ, तो यहाँ पर विथ लगेगा, सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, वह माता पिता के साथ रहती है, प्रीपोजिशन क्या लगेगा, विथ लगेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 में अभी मैंने बताया कि नॉन के साथ पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन टू लगता है, तो यहाँ पर टू हो जाएगा। ठीक है, सी इज नॉन टू मी, है ना, ऑप्शन भी देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो है ना दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर सी इज नॉन टू मी होगा, यहाँ पर टी ओ टू होगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सी इज नॉन टू मी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, माया इज सफरिंग, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, माया जो है वो बुखार से पीड़ित है, तो सफरिंग फ्रॉम होता है, ऑप्शन नंबर एक प्रीपोजिशन हो जाएगा, फ्रॉम, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। और क्वेश्चन नंबर 24, सुधा इज प्लीज्ड, सुधा इज प्लीज्ड विथ मी होगा, है ना,
सुधा इज प्लीज विथ मी होगा, क्या होगा? सुधा इज प्लीज विथ मी, यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन लगेगा, विथ होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? ही इज ब्लाइंड, खाली जगह, तो ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन यहाँ पर टू लगेगा, ब्लाइंड टू हिज ब्रदर्स फॉल्ट, वह अपने भाई के गलती से अंधा है, वह अपने भाई के गलती को नहीं देख पाता है ना, इग्नोर कर देता है, तो ही इज ब्लाइंड टू होगा, ही इज ब्लाइंड टू हिज ब्रदर्स फॉल्ट, वह अपने भाई के गलतियों से अंधा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर, है ना, मजाक उड़ाना, लाफ एट मतलब मजाक उड़ाना, तो एट लगेगा, लाफ एट मतलब मजाक उड़ाना, तुम्हें गरीबों को पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप ताबरी की जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सी केम खाली जगह बस, वह आया, तो किससे आया? तो बस के द्वारा आया, तो बाय बस होगा, सी केम बाय बस, यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा? द बैंड विल प्ले फॉर रिक्वेस्ट, जो है गायकों की जो मंडली है, बैंड है ना, ढोलक बजाने वाले जो बैंड है, वो मंडली जो है, वह अनुरोध पर नाटक करेगी, है ना, तो फॉर रिक्वेस्ट होगा, प्ले फॉर रिक्वेस्ट, क्या होगा? प्ले फॉर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पर काम करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फोर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है लेटेस्ट होप, खाली जगह, लेटेस्ट होप फॉर द बेस्ट, लेटेस्ट होप फॉर द बेस्ट, यहाँ पर फोर होगा, ठीक है, सी नंबर, फॉर द बेस्ट, लेटेस्ट होप फॉर द बेस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वी गॉट खाली जगह डिफिकल्टीज, वी गॉट खाली जगह डिफिकल्टीज, तो गॉट के साथ इनटू होगा, वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज, वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज, ठीक है, वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? व्हाट आर यू लुकिंग, खाली जगह, तो व्हाट आर यू लुकिंग एट होगा, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किस, क्या चीज़ देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किस चीज़ को देख रहे हो, तो लुकिंग एट होगा, लुकिंग एट मैंने देखना होता है, ठीक है, डी नंबर प्रीपोजिशन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है कि ही इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन लगता है, तो ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक होगा, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ऑप्शन नंबर सी होगा, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? एम खाली जगह डूइंग योर वर्क, तो एम के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, एट एट प्रीपोजिशन लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एम एट डूइंग योर वर्क, अपने काम पर लक्ष्य बनाओ, है ना, एम एट डूइंग योर वर्क। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? सी वाज कॉल्ड, मतलब कि उसे इंटरव्यू में बुलाया गया था, है ना, फॉर एन इनवर्ट, तो सी बाज कॉल हो जाएगा, कॉल फोर मैंने बुलाया जाना, किस लिए? इंटरव्यू के लिए, तो कॉल फोर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉल फोर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा? आई नो द हाउस दैट ही लिव्स, मैं उस घर को जानता हूँ जिसमें वह रहता है, तो लिव्स इन, घर के अंदर में रहेगा ना, तो लिव्स इन, ऑप्शन नंबर एक होगा, है ना, लिव्स इन, यहाँ पर प्रीपोजिशन इन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? रीता इज टायर्ड, तो टायर्ड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, रीता इज टायर्ड ऑफ दिस वर्क, रीता जो है इस काम करके थक गई है, तो रीता इज टायर्ड ऑफ दिस वर्क, ऑप्शन नंबर सी होगा, टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? विच हैंड डू यू राइट, बोला कि तुम किस हाथ से लिखते हो, तो किस हाथ से लिखते हैं, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग हुआ,
है ना, विच हैंड डू यू राइट विथ, तुम किस हाथ से लिखते हो, ऑप्शन नंबर डी होगा, विथ प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि आई एम फेड अप, फेड अप ही इज कमिंग लेट, तो यहाँ पर विथ हो जाएगा, आई एम फेड अप ही इज कमिंग लेट एवरी डे, मैं उससे बहुत गुस्सा हो गया हूँ उसके देर आने के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आई एम फेड अप विथ हीज कमिंग लेट एवरी डे, मैं गुस्सा हो गया हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, ही इज सॉरी व्हाट ही डिड, मैं दुखी हूँ किस लिए, मैं वह दुखी है, ही इज सॉरी वह दुखी है किस लिए, जो कुछ वह किया है उसके लिए वह दुखी है, तो सॉरी फोर होगा, सॉरी फोर, ही इज सॉरी फोर व्हाट ही डिड, वह जो कुछ किया है उसके लिए वह दुखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा, आई वंडर्ड खाली जगह हिज इंटेलिजेंस, मैं उसकी बुद्धिमानी पर आश्चर्यचकित हूँ, तो आई वंडर्ड एट होगा, आई वंडर्ड एट मैं उसकी बुद्धिमानी पर आश्चर्यचकित हूँ, यहाँ पर एट लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा, वी आर प्राउड खाली जगह आवर सेक्युलरिज्म, तो वी आर प्राउड ओवर आवर सेक्युलरिज्म होगा, ठीक है, वी आर प्राउड ओवर आवर सेक्युलरिज्म, हम अपने धर्मनिरपेक्षता पर अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं, ठीक है, तो ओवर आवर सेक्युलरिज्म होगा, ऐसे प्राउड के साथ ऑफ लगता है, लेकिन जब इधर कोई आदमी रहेगा तो समबडी रहेगा तब, है ना, वी आर प्राउड ऑफ यू, इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर आवर सेक्युलरिज्म है तो ओवर लगेगा, वी आर प्राउड ओवर आवर सेक्युलरिज्म, ठीक है, क्या होगा, ओवर सेक्युलरिज्म होगा, ठीक है, वी आर प्राउड ओवर सेक्युलरिज्म। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, नफीसा इज एफ्राइड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, नफीसा इज एफ्राइड ऑफ स्पाइडर्स, ऑफ लगेगा, नफीसा जो है मकड़ी से डरती है, भयभीत है ना, डराया, डर गई है नफीसा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा, आई एम वरीड द एग्ज़ाम, मैं चिंतित हूँ किसके लिए, एग्ज़ाम के बारे में चिंतित हूँ, आई एम वरीड अबाउट प्रीपोजिशन होगा, वरीड के साथ अबाउट लगा, आई एम वरीड अबाउट द एग्ज़ाम, ऑप्शन नंबर सी होगा, आई एम वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 45, सी सफर्स खाली जगह एट हार्ट डिजीज, वह पीड़ित है किससे, एक दिल के बीमारी से पीड़ित है, तो सी सफर्स फ्रॉम होगा, सी सफर्स फ्रॉम, ऑप्शन नंबर डी, सी सफर्स फ्रॉम ए हार्ट डिजीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम बनाएगा, सी सफर्स फ्रॉम ए हार्ट डिजीज, वह एक बीमारी से पीड़ित है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।